रह जाएं और उंगलियों की सहायता से बार बार उस पर आप उसके छल्ले इस पर चढ़ा दीजिएगा और तब तक चढ़ाते रहिएगा जब तक रबड़ का खिंचाव, जो रबड़ रिंग थी उसका खिंचाव बंद नहीं हो जाए, उसे छोड़ दीजिए। अगर मान लो शाम को हमने इसको किया है, ये क्रिया हमने शाम को की है 3 बजे के आसपास की है अपराह्न में, तो हो सकता है कि शाम को ये बच्चा जिस पर आपने कास्टेशन की विधि अपनाई थी वो कम मात्रा में खाना खाए, लेकिन दूसरे दिन सुबह देखेंगे कि ये उतना ही चारा दाना खाएगा जितना स्वस्थ जानवर खाएंगे और उसी तरह से खेलेगा कूदेगा भी। ऐसा करने के बाद आप हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन इसको चेक करें, अगर इसमें किसी तरह का घाव दिखाई देता है, कभी कभी क्या होता है कि मौसम एडवर्स होता है, अगर बरसात के दिन में आपने कास्टेशन किया है तो उस समय इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा फैलते हैं और रबर से थोड़ा भी कट आ गया है तो उस पर मक्खी वगैरह बैठ गई तो वो एग लेइंग कर देती है और एग लेइंग के बाद में हैचिंग हो जाती है और उसमें मैगट जो कीड़े जो होते हैं वो कीड़े इसमें पड़ जाएंगे और उसमें घाव बना देंगे और अंदर तक चले जाएंगे। तो आप चेक करें और ड्रॉपर की सहायता से टिंचर आयोडीन या बीटाडीन उस पर डाल दें, ये आपको हर तीसरे दिन करना होगा और आप देखेंगे कि 7 से 10 दिन के बाद 7 to 10 days आफ्टर आप देखेंगे कि ये स्कोटल सैक सहित पूरे ये जो अंडकोश है, जो आपका जो टेस्टिस है, ये सारे गायब हो जाएंगे, न अंडकोश इसका स्कोटल सैक होगा न रबड़ आपको मिलेगी, क्योंकि जैसे ही अंडकोश सूख के गिरेगा कोई ना कोई पच्ची कौआ वगैरह इसके अंडकोश जिसको लेकर के ले जाएगा, वो बिल्कुल निकल जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक यहाँ जो रह जाएगा इसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी रह जाएगी जैसे फीमेल में है, इवन स्कार मार्क भी नहीं रहेगा, जो दाग होता है ना कटेगा उस तरह का कोई चिन्ह भी नहीं यहाँ रहेगा। ये सबसे बढ़िया, सबसे सस्ती और सबसे सेफ ये है और बिना पेन के ये पद्धति ऐसे आप आराम से कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है इसमें। हैं घाव आपकी लापरवाही से बनेगा, मैंने बताया ना कि अगर सीजन सर्दी का है तो घाव नहीं बनेगा, अगर बरसात वगैरह का है तो उसमें बन सकता है, तो उस समय आप टिंचर आयोडीन डाल दें हर तीसरे दिन से। बिल्कुल 100% है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, जो उसकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है ना, तो 100% ये सक्सेस है, इसको आप कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं है, जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं वो भी आराम से कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। सर रबड़ एक ही बार बांधिए, एक रबड़ लेंगे वो रबड़ को बार नहीं नहीं ऐसे नहीं लपेटेंगे, वो उंगलियों के सारे छल्ले बना के इस पर जाएंगे, छल्ले बना के जाएंगे जाएंगे और जब तक करते जाएंगे छल्ला, जब तक उसका आगे चढ़ाना बंद हो जाए, ठीक है ना, टूटे भी नहीं। हाँ बोलो सर, ये टेस्टिस अगर अपन वगैरह खत्म कर देंगे तो उसको फिर मस्कुलर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है बॉडी डेवलप करने का, सुने टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, वो नर का नर हार्मोन है, ठीक है ना, उससे उसमें हीट में रहता है, वो लिबिडो मद होता है उसमें, जो पौरुषता होती है उसमें, अगर वो नहीं रहेगा तो उसमें लिबिडो नहीं रहेगी, ठीक है ना, वो उसकी अपीयरेंस भी, बॉडी अपीयरेंस भी फीमेल की तरह हो जाएगी और बिहेव भी फीमेल की तरह करेगा, वो जिस तरह से नर बकरा जो होता है वो मादाओं पे माउंट करता है वो ऐसे नहीं करेगा। मस्कुलर डेवलपमेंट में फायदा करता है? नहीं, मस्कुलर डेवलपमेंट उस तरह का नहीं होगा जो मेल का होता है, इससे फ़ायदा ये होगा कि फाइब्रोसिस कम होगी, मीट क्वालिटी बढ़ेगी। आपने देखा है कि बकरे का जो एज्ड बकरा जो हो जाता है उसका मीट जो है फाइब्रस हो जाता है, तो वो डिले हो जाएगी इसमें, ये देर में होगा, ये इतना फाइब्रस नहीं होगा और टेंडर मीट होगा, ठीक है ना, और जो वृद्धि उसके टेस्टी डेवलपमेंट में या जो इसकी जो विचलित होता रहता था ब्रीडिंग के लिए, बेचैन होता था या ओवर एक्शन करता था, वो नहीं करेगा, रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा, इसका मतलब वो एनर्जी अपनी बॉडी टिश्यू की ग्रोथ पर करेगा, वेट गेन ज़्यादा करेगा। बिल्कुल, दो महीने के बाद अगर अपन थोड़ा करेंगे, 4 महीना बिना खसी कराओ, देखो देखो खसी कराओ बच्चे को फर्क रहेगा हैं, 4 महीने तक मैंने सुना कि ऐसा कोई फर्क नहीं आता, डेवलपमेंट चल जो दिखता है 4 महीने बाद ही होता है, भले अपन ये वाला बच्चा ले
चार महीने बाद ये जो बच्चा अपना बिना टेस्टिस वाला भी रहता है तो वो चार महीने बाद ही इन क्रियाओं में आता है। नहीं नहीं, वो बात सही है आपकी, जब तक बच्चा ब्रीडेबल नहीं होता, जब उसकी ब्रीडिंग एज नहीं आती, तब तक तो वो मादा की तरह ही है। लेकिन बात यह है कि फिर भी नर में जो डेवलपमेंट, क्रमिक डेवलपमेंट होता है, कम्प्लीटली ब्रीडिंग के योग्य तब तक नहीं होगा जब तक उसमें पूरा पूरी हो जाएगा। अगर वो ब्रीडिंग कर भी रहा है तो वो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, सीमन भी जा रहा है, तो केवल जो सेमिनल वेसिकल का फ्लूड है या प्रोस्टेट फ्लूड है वो सीक्रेशन है, उसमें स्पर्म नहीं होंगे। स्पर्म होंगे भी तो बहुत कम मात्रा में होंगे। तो वैसे तक छोटी उम्र 6 महीने तक आप उनको बाधा की तरह कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद तो उम्र उनकी ऐसी हो जाती है 6 महीने पर कि फिर उनका कास्टेशन करना संभव नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? फिर कास्टेशन करने की उनकी उम्र नहीं रहती, इसलिए ये 2 से 3 महीने बेस्ट हैं, लेकिन 2 से 4 महीने तक आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 महीने के बाद। नहीं ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो कष्टकारी होता जाएगा। हाँ 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 उन्हें फिर करना है तो आप टाइम से कीजिए, कोई इसमें नहीं नहीं आपने आपने कोई उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई आपने कोई सामग्री इकट्ठा करनी है, कुछ कुछ नहीं करना है। आप अपने आप बिना पढ़े लिखे तो भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे तो भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखें आप, केवल हर 30 दिन उसको चेक करते रहें। वेट गेन तो वेट गेन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ये उछल कूद में अपना अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे वो नहीं करेंगे, और वो एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगी वो टिश्यू फॉर्मेशन पे। और कोई सवाल साहब? और कोई प्रश्न है इसके संबंध में? थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।